अस्सलाम वालेकुम जनाब, उमैर मलिक आपसे मुखातिब हैं। अच्छा जनाब, आज जो है वो जैसे वादे के मुताबिक हमारे साथ मेरे बहुत पुराने एक उस्ताद कह लें, टीचर कह लें, दोस्त भी, 2012 11 से 11 में हमारा ताल्लुक हुआ था, फिर 12 में हमने कुछ सेशंस भी साथ किए। तो मैं उनको, और अब ये पाकिस्तान में नहीं होते लेकिन इन्होंने टाइम निकाला, और पाकिस्तानियों से इनको बड़ी मोहब्बत है, ये बाहर होकर भी मुसलसल पाकिस्तानियों के लिए सेशंस और वीडियोस जो है ना वो कर रहे होते हैं। सो बुलाते हैं ज़रा सादी मखदूम को जनाब। अस्सलाम वालेकुम सादी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। देखो, बड़ा हम्बल किस्म का आपने मुझे इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन आप सिर्फ इसी तरह रखें जो ना, मैं एक उमेर का ऐसा दोस्त हूँ जिसने पिछले 5-10 साल से उमेर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। एंड आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग के, जब हम जो है ना ट्रेनिंग के बारे में सीख रहे थे, और फिर जब सही हमने खुद ट्रेनिंग शुरू की, और अब हमारा जो पिछले 10 साल के अंदर कॉन्टेंट इवॉल्व हुआ है फ्रॉम मेनली बींग जस्ट जो है ना सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशन मोटिवेशनल बातें इंटरव्यू। और ये, और अब भाई रियलिस्टिक बातें करते हैं कि भाई किसने करना है किसने नहीं करना। और आज के सेशन की जो मेन थीम होगी ना वो यही होगी कि ये सेशन उन लोगों के लिए है जो अभी कंप्लेन नहीं करेंगे अगले जो है ना 1-1.5 महीना या कोविड के बाद। ये वो लोग हैं जो सुस्त नहीं है, ये वो लोग हैं जो काम करेंगे, अपने आजकल के इस माहौल के अंदर एक डिसिप्लिन बनाएंगे और एक पैटर्न बना के अपना जो है ना घर के अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करके एक पूरा एक घर के अंदर सिस्टम बनाएंगे जैसे इदारे चलते हैं। एंड आज का सही सेशन उन लोगों के लिए है, बिकॉज मेरा पूरा एम्फेसिस होता है, हम लोग आधे ज्यादा जब जिंदगी में बात करते हैं ना, और आज भी हम जितनी बात करेंगे उसमें होगा यार तो लोग तो अप्लाई करेंगे नहीं, बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे। सीन ये है कि पूरी दुनिया अप्लाई करती नहीं है, अगर पूरी दुनिया अप्लाई करती तो पूरी दुनिया ही जो है ना बिल गेट्स होती, पूरी दुनिया ही स्टीव जॉब्स होती, 1% होता है जो काम करता है, बाकी सारे कंप्लेन करते रह जाते हैं। सही तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत जो है ना करीब है, बिजनेस हो या एजुकेशन हो, और ये दोनों ही वो चीजें हैं जिनके लिए मैंने जो है ना एक तरह से पब्लिक स्पीकिंग का अपना पैशन को छोड़ के बाहर घुसा था कि सही यार बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पहले काम कर लें, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, एंड फिर कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो पाकिस्तान के लिए अगर टीचिंग के शोबे में कुछ कर सकें या एजुकेशन के वजह से, वरना जहां भी बैठेंगे वहां से अपने दोस्तों को जो है ना गाइडेंस देते रहेंगे। सही। अच्छा शादी, मैं ये चाहूंगा कि वो हमारे लोगों को पहले ये तो पता चले कि आपके अपने कितने एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि हमें वो आपकी वो पीएमए काकोल और फिर वो सारी स्टोरी जरा एक क्विक समरी सबको आ जाए ना कि शादी ने क्या क्या किया और फिर आज शादी क्या कर रहे हैं। तो अच्छा, फ्रॉम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं एक डॉक्टर्स की फैमिली में जो है ना जन्म हुआ मेरा, और जो है ना मेरे फादर आर्मी में थे। अब ये दोनों चीजें अगर किसी इंसान के साथ हो जाए ना तो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में बहुत टफ पैदा होती हो जाती हैं, कि डॉक्टर्स बच्चा पैदा करते बाद में पहले डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चा बनेगा क्या, डॉक्टर ही बनेगा लेकिन कौन सी फील्ड के अंदर डॉक्टर सही बनेगा। तो मुझे हमेशा से चॉइस यही मिली थी कि सही भाई आपने जो है ना डॉक्टर बनना है, तो मैंने कहा यार इसमें मेरी चॉइस ही नहीं है, मतलब मेरी चॉइस भी तो नहीं है। उनका भाई हमने तो सिर्फ ये डिसाइड किया है कि आपने डॉक्टर बनना है, चॉइस अब आपकी है कि आपने किस अब चीज कौन का सा डॉक्टर बनना है। बनना है। अब आप इंसान के डॉक्टर बनते हैं, आप गधे के बनते हैं, जिसके डॉक्टर आपने बनना है। लेकिन मेरा सीन ये था कि सही मैं हमेशा से पूरी फैमिली में डिफरेंट हूँ। मेरे अभी दो भाई हैं डेंटिस्ट हैं, मेरे फैमिली के अंदर जो है ना आधी फैमिली नहीं तो समझ लो 50% से प्लस जो है ना वो सारे डॉक्टर ही हैं। एक मेरा कजन है जो चार्टर्ड सही अकाउंटेंट है, वो यहाँ पे नेदरलैंड में बैठा हुआ है, और एक मैं हूँ जो डॉक्टर नहीं हूँ, सही जो बिजनेस और मार्केटिंग ऑपरेशंस की तरफ है, और वो यहाँ आयरलैंड में बैठा हुआ है। बाकी सारे डॉक्टर हैं, कोई आंख का कोई दांत का कोई है। अब मेरे इंसान कान के के डॉक्टर बनते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद फिर सही ये सही बोले हुआ बोले कि जो है ना मुझे इन्होंने बड़ी कोशिश की कि भाई इसको हम जो है ना डिफरेंट तालीमी इदारों में डाल के थोड़ा डिसिप्लिन करें, लेकिन अपने तरीके से डिसिप्लिन। हमारा होता ही है ना, हम जो पेरेंटिंग करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि बच्चे का कैरेक्टर क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की अंदर जो है ना टैलेंट्स क्या है। हम देखते हैं कि भाई वो बच्चा जो हम चाहते हैं ना करना वो कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। तो उन्होंने इस पूरे सही प्रोसेस के अंदर मुझसे बहुत सारी चीजें करवाई, मुझे पीएमए काकुल में डलवाया। पीएमए काकुल नोन था कि भाई वहां से बच्चे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होकर निकलते हैं, लेकिन मैं जब उस साल वहां पे मेरा एडमिशन हुआ था
तो उस क्लास में पहली दफा 17 बच्चे फेल हुए थे, तो उन्होंने भी जो है ना मुझे पैक करके उठा के भेज दिया कि भाई आप यहाँ तो अपना बच्चा ले जाए, यहाँ तो बच्चे को थोड़ा चेंज करा के फिर ले, ये हमारे जो है ना पूरे पीएमए काकुल का नाम रोशन करेगा। सेम थिंग हैपेंड भेड़िया कॉलेज, हमारा जो कराची का है, भेड़िया कॉलेज ने मुझे जो है दो दफा फेल होने पे 6th क्लास में निकाल दिया था। यार ये बच्चा तो एक क्लास से मोहब्बत करके बैठ जाता है, ये तो आगे कहीं जाएगा नहीं, आप इसको ले जाएं, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब्बा ने चलो कहा चलो इस बच्चे का जो है ना कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा गिव अप करते हैं, चलो बेटा डॉक्टर नहीं तो इंजीनियरिंग कर लो। अच्छा मैं पहले ही मुझे जो है ना अब सिंपल चीजें समझ नहीं आ रही, अब देखा जाए तो मेडिकल मुश्किल है, सही है, फ्रॉक को बोलते हैं रन्ना टिगरीना और इस तरह की बहुत सारी उनकी टर्म्स होती हैं। अब जो है ना धूप पौधे पे पड़ती है और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर ये होता है, फिर उसका नाम फोटोसिंथेसिस, हर छोटी चीज को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब मेरा इंटरेस्ट नहीं था ना तो मुझे ये चीजें बुरी लगती थी। फिर उन्होंने कहा कि यार ये छोड़ दो, अब थीटा छीटा और जो है ना ये जो है ना जाके इंजीनियरिंग पढ़ लो। मैंने कहा पहले कुछ नहीं मिला और उसके बाद आप जो है ना सीधा ट्रिग्नोमेट्री और ये मैथ्स और पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग और पता नहीं कौन सी आपकी साइंसेस फिजिक्स और पता नहीं। मैंने कहा ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि कुछ जो है ना हफ्ते लगा के डेडिकेशन के साथ मैंने अब्बा का जो है ना सिग्नेचर सीखा और मैंने जाके जाना जब कोर्स में आपके अब्बा के सिग्नेचर चाहिए तो वहां पे साइन करके कंप्यूटर साइंस ले लिया। मैंने कहा यार मुझे पता है कि भाई मुझे कंप्यूटर और ये और टेक्नोलॉजी और इस फील्ड में कुछ करना है तो ये कर लेंगे। अब्बा को पता चला जब एक साल के बाद तो उन्होंने घर पे जो है ना कयामत वाला सिलसिला हो गया था कि भाई ये कंप्यूटर में क्या चला गया, ये जो है ना इसमें अम्मा का कोई ना कोई हाथ होगा, क्योंकि हमारे अब्बाओं को लगता है कि जब जिंदगी में बच्चे ने कुछ अच्छा किया ना तो वो उनकी वजह से और अगर कुछ हो गया तो वो पहले जो है ना माँ का नाम आता है कि भाई तुम इधर आओ और जो है ना तुम्हारी वजह से इसने ये किया होगा, तुमने तुम्ही ने सिखाया होगा ये वाला सीन। लेकिन फिर ये सिलसिला बढ़ा अचानक से, फिर अभी मैंने आपको बताया कि मेरा एक कजन है जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है, तो अब्बा को जब पता चलता है ना वो एक और फील्ड भी है जिसमें पैसा बहुत है, तो वो भी सीन हुआ था मेरे साथ, मेरे अब्बा हुजूर आए तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं बनते। अब मैं उस वक्त तक जो है बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुका था और मुझे पता था कि भाई अभी मेरी जो इस्तेतात है जितने मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और जितना मैं एक लैब बन चुका हूँ खुद जो है ना डिफरेंट फील्ड्स का, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो ही नहीं सकता ना। मैं चाहे डॉक्टर बन जाता या इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो अब अब्बा उस जमाने में जो है ना आर्मी के उस फेज में थे कि भाई जो डिक्टेटरशिप आती है ना तो सारी पार्टी वाले बोलते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और हम कुछ नहीं बोलते, तो वही सीन हो गया था। मैंने कहा आप बोले कहाँ से पढ़ना है मैं कर लूंगा, तबानी में हो गया एडमिशन, हम जाना शुरू हो गए। अब ये वो वक्त था जब मैंने बीबीए में एडमिशन ले लिया था और अब्बा को कन्विंस ये किया था कि भाई बीबीए भी चलता रहेगा साथ में सीए हो जाएगा। बीबीए के साथ में आपने सुना होगा बीबीए के साथ में छोटे मोटे सर्टिफिकेट होते हैं, बीबीए के साथ में मेरे जैसा शख्स जो चार फील्ड बदल चुका है वो सीए कर लेगा ना। तो मैंने अब्बा को अपने प्यार से समझाया एक दिन आके के देखें मैं आपके पैसे बचाना चाहता हूँ, क्लासेस के पैसे तो जाया हो गए अब हम एग्जाम के पैसे जाया नहीं करते, सही है आपकी हलाल हलाल की रोटी है, इतना आपने मुश्किल से कमाया है, लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, मैं जिस फील्ड में लगा हुआ हूँ ना उसके अंदर आपको मुझे जो है ना पीछे से पुश नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह आप जो है ना बहुत सारे माँ बाप को होती है सोर्स लगवा दें, इस बंदे से बात कर लो, इधर से बात कर लो, कुछ और कर लो, लेकिन ये कर लो, क्योंकि मुझे जो बीबीए के अंदर जो चार पांच चीजें समझ आ गई थी वो ये थी कि भाई मैं सेलिंग में अच्छा हूँ, मैं लोगों को बात करके चीजें समझा सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ, एंड मैंने अपने पहले सेमेस्टर से जो है ना छोटे मोटे काम शुरू किए हुए थे जो बहुत सारे बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मेरा पहला सेमेस्टर था, मैं उस वक्त पब्लिक स्पीकर नहीं था, मुझे पता नहीं था ट्रेनिंग क्या होती है, लेकिन मैं वो जो एक्सपो सेंटर कराची है वहां पे जो बच्चे बाहर खड़े होते हैं ना पैम्फलेट के साथ, सर कैन आई हैव 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम, जिसको हम बहुत बुरे तरीके से झाड़ देते हैं और कभी कभी हम जो है ना 1 मिनट नहीं देते, उन बच्चों की भी बड़ी मजबूरी होती है, वो बड़ी सख्त जॉब थी, वो मैंने पहले की। फिर हमें मिलते थे गुडीज कभी कभी जो है ना कोई पेन की कंपनी है जो है ना कह रही है आप एक्सपो सेंटर के गेट पे खड़े हो जाएं सबको फ्री में एक एक चीज बांटे, वहां से मेरी तरक्की हुई। फिर मैं गया एक्सपो सेंटर में वोडाफोन और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज आती थी वो अपना इंटरनेट के पैकेज बेचती थी, तो उन्हें बच्चा चाहिए होता था कोई कि बच्चा हो और जो है ना वेल ग्रूम्ड हो, इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो। अब उस जमाने में मेरी इंग्लिश कुछ भी नहीं थी लेकिन स्टिल जो
जिन लोगों से मैं कंपीट कर रहा था ना एक्सपो सेंटर में जो खड़े हुए थे उनमें मेरा मुकाबला थोड़ा बेहतर हो जाता था। तो मैं वहां पे खड़े होकर पूरा पूरा दिन बोलता था इंग्लिश में, पेरेंट्स आ रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है ना अनलिमिटेड इंटरनेट चाहिए उसको, और मेरा काम ये होता था कि भाई अनलिमिटेड आपके बच्चे को नहीं चाहिए, आपके बच्चे को चाहिए 6 या 8 GB, जब उसको पता होगा ना मेरे पास 6 GB है तो वो काम की चीजें डाउनलोड करेगा, जब आपको बच्चे को पता होगा ना अनलिमिटेड फिर वो गंदी चीजें भी डाउनलोड करेगा, फिर वो फहाश चीजें भी डाउनलोड करेगा, फिर वो जो चीज नहीं चाहिए वो भी डाउनलोड करेगा। और आप ये चीज जरूर सोचें ये पैकेज आपके लिए ही है। पेरेंट्स वो चीज खरीद के मुझसे ले जाते थे और बच्चे मुझे गालियां देते थे, लेकिन मेरा तरीका यह था कि बेचूं तो जिस तरीके से मुझे बेचना है ना वो पेरेंट्स को मैं निकाल देता था। तो फिर ऐसा ऐसा चीजें बढ़ी, मैं पाकिस्तान में फिर ट्रेनिंग शुरू की, ट्रेनिंग के बाद मैंने थोड़ी कोचिंग के अंदर काम किया, फिर मेरा 2013 के आसपास जो है ना पहला एक सेशन हुआ था उस्मान रोहेल और जैन कोपलानी के साथ दुबई में अल्बाथा लर्निंग फेस्टिवल में एक कस्टमर सर्विस, एंड आई विल ओपनली से इट वाज अ वेरी बैड सेशन बिकॉज मेरा पहला इंटरनेशनल एक्सपोजर था, तो लग ये रहा था कि ऑडियंस को मेरी बात ज्यादा समझ नहीं आई क्योंकि हम पाकिस्तान में जिस तरह ट्रेनिंग कराते हैं उधर नहीं है। अगली ट्रेनिंग के बारे में जब बात आई तो आइदर इट वॉज के उन्हें मेरा सेशन पसंद नहीं आया था, इस वजह से मुझे सेशन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो मुझे रीजन दिया कि अगला सेशन आपको नहीं मिल सकता वो ये था कि आपके पास एक इंटरनेशनल डिग्री नहीं है। तो वो एक लर्निंग पॉइंट था, मैंने कहा पिछले 10 साल से मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ बेटा पढ़ाई करें, पढ़ाई को नहीं छोड़ना, पढ़ाई करें, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट काम करें, मैंने कहा अब छोड़ना है, ब्रेक लेना है। एंड एट दैट टाइम आई वॉज मेकिंग अ लॉट मोर, क्योंकि वाइल्स ही होता है आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आपकी PR वगैरह, मेरे सेशन वगैरह माशाल्लाह से सही चले थे। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, मैंने अपने 2-3 जो सीनियर मेंटर्स हैं उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने मैं यही बताया, मैंने कहा मेरा पैशन ये नहीं है कि मुझे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेनर बनना है, मुझे मैं पैशनेट हूँ कि भाई मुझे ग्लोबली कोई नाम बनाना है, और वो सिर्फ जो है ना नॉट हमारे बड़े बड़े इदारे हैं लेकिन नोन नहीं है, उनके साथ काम करके अभी बनेगा नहीं। सही। फिर मैं अपना MBA करने बाहर गया, वहां पे भी मेरी जो है जो सेलिंग स्किल है वो मुझे काम आई थी। मैंने ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स स्टार्ट किया था, मैं MBA करने नहीं गया था क्योंकि MBA बहुत मुश्किल था, और इस वजह से मुश्किल था क्योंकि बहुत महंगा है ऑस्ट्रेलिया का MBA। और वहां पे मैंने अपने जो है ना 2-3 नेटवर्किंग सेशन में 2-3 लोगों से ताल्लुकात बनाए, जिनमें से एक प्रोफेसर ने मेरा $13,000 माफ करवाया और मुझे उसने सिडनी से विक्टोरिया मेलबर्न शिफ्ट करा के मेरा वो $12,000-13,000 माफ करा के मुझे MBA में शिफ्ट कराया। लेकिन उसने अपनी डीन कॉलेज बिजनेस से ये बात की थी कि भाई ये बच्चा बना है ऑपरेशंस के लिए, इसको नहीं पता अभी कि ये बिजनेस ऑपरेशंस में कमाल कर सकता है, और ये पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स, इसको हमें अपनी यूनिवर्सिटी में लेके आना है, आगे ये बहुत ज्यादा काम करेगा। एंड वो हुआ कि भाई मुझे जब उन्होंने बोला ये, मैंने कहा भाई मेरा पैसे इतने ही है, मेरे अब्बा ने जितने दे सकते थे ना, उसके बाद मेरे अब्बा ने कहा अब अपनी टांग बेच, अपनी किडनी बेच, जो करना कर, पैसे इतने ही है, इसी तक गुजारा करना। फिर हमने वो काम किए, उसके बाद साइट में हो ये रहा था कि जब आप वहां पे स्टूडेंट होते हैं तो बहुत खर्चे होते हैं, वहां पे आपने ऑड जॉब्स पकड़नी होती हैं, लेकिन हम लोग ऑड जॉब्स को ऑड जॉब समझ के करते हैं, ये बहुत गलत बात है। सही है, पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं तो बताते नहीं है क्योंकि हमारी सोसाइटी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देती, और अगर कोई बच्चे काम करना चाहते हैं तो माँ बाप करने नहीं देते, मैंने तुम्हें इतने जो है बड़े बड़े कॉलेज में इसलिए पढ़ाया कि तुम मैकडॉनल्ड्स पे काम करोगे। अब मुझे मिली थी डोमिनोज के अंदर एज अ ड्राइवर जॉब, लेकिन अब बीइंग हुआ है मैंने 2-2.5 महीने के अंदर वहां पे सब कुछ सीख लिया था जो मेरे मैनेजर को आता था, और जब पता चला कि भाई शादी हमारे पास काम करता है, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, शाम में आता है, काम वाम करता है, कभी बर्तन मांज लिए कभी ये, लेकिन अगर स्टोर मैनेज करना हो तो उसको सब कुछ आता है। मैनेजर क्या करता था कि उसको पता था इसको इतना आता है कि वो कभी बाल कटवाने चला गया 1-1.5 घंटे चला गया, कभी मीटिंग करने चला गया, स्टोर चल रहा है। तो मेरा रीजनल मैनेजर एक दफा आया और वो स्टोर मैनेजर वहां पे था नहीं, तो उसको मिला वार्निंग लेटर, मुझे मिला मेरा कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आपको आता है सब कुछ, मेरे पास 6 स्टोर्स हैं, कौन से में काम करोगे। उसने मेरा पहला मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और वहां से मेरा जो ना डोमिनोज के अंदर ऑपरेशंस की जर्नी शुरू हो गई। एंड मेरा वो पहला कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने कहा यार ये एटलीस्ट मुझे काम भी आता है, ये भी है, और डोमिनोज जिस तरीके से चलता था ना स्टोर उधर, वो एक ऐसा था कि मेरे लिए लर्निंग थी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू कि भाई फास्ट फूड रिटेल कैसा चलता है, कंप्लायंस कैसे होती है, हम बहुत सारी चीजें फाइनेंस के अंदर पढ़ते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
और ये चीजें मुझे जो है ना फाइनेंस के अंदर समझ नहीं आती थी, लेकिन वहां पे मुझे समझ आ रही थी कि भाई फूड के अंदर क्या करना है। सिस्टम्स वहां पे जो टेक्नोलॉजी डोमिनोज के अंदर थी वो ऐसी थी कि पिज्जा एक मिनट के अंदर बनता था, जो शेफ्स थे उनको हाथ में वजन करना सिखाया गया था कि भाई आपने 50-50 ग्राम का चीज हाथ में मेजर करना है, आंख बंद करो, उठाओ, रखो, 50 ग्राम है नहीं है, ये 50-100 दफा करो ताकि आपको रट जाए कि हाथ में वजन कितना होना चाहिए। और बाकी पिज्जा हट, सबवे, ये लोग ये नहीं करते, मेजरमेंट वहां पे नहीं है, ये सिर्फ डोमिनोज करता है। लेकिन डोमिनोज सिर्फ इस वजह से हर साल $9 बिलियन ज्यादा एस्टिमेटेड बताता है, बिकॉज वो फूड कॉस्ट अपनी मैनेज करता है और बाकी बिजनेस नहीं करता। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिज्जा हट एक तरह से हमने वाइप आउट कर दिया था, कॉम्पिटिशन दे वॉज डन, और उसके साथ ये था कि सबवे खत्म हो चुका था और हम कंपीट कर रहे थे। कभी आपने जिंदगी में नहीं सुना कि डोमिनोज कंपीट कर रहा है मैकडॉनल्ड्स से, मैकडॉनल्ड्स से कोई कंपीट नहीं कर सकता, लेकिन डोमिनोज की स्ट्रेटेजी ये थी कि भाई पिज्जा हट और सबवे हमने छोड़ दिया है, हमें कंपीट करना है मैकडॉनल्ड्स से। और फिर हम देख रहे थे कि भाई हम अपनी एप्स किससे बेहतर बना सकते हैं। राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर अनदर कंपनी, अब मैं नाम नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन है यही कि जितने भी ये 3-4 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैं उनमें से एक के लिए काम करता हूँ, जहाँ पे मैं बहुत सारे प्रीमियर लीग क्लब्स की डिफरेंट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी देख रहा होता हूँ। रिसेंटली रग्बी वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसके अंदर जो 2-3 बड़ी टीमें थी जो वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप की थी। एंड हो ये रहा होता है कि भाई आई हैव अ बुक ऑफ पार्टनर्स, यहाँ पे उनका जो है ना दिन रात का जो मसला होता है वो मैंने सॉल्व करना होता है। तो इट्स कस्टमर सर्विस लेकिन डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के साथ साथ, ये मेरा अभी तक का सफर है। आई एम नोवेयर क्लोज टू डन, क्योंकि मेरा अभी सीन ये है कि भाई अभी तो गेम शुरू हुई है ना वाला सीन, तो आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। बस यही है कि मेरा कोशिश यही रहती है भाई, मेरा पैशन ये रहा है कि टीचिंग करूं, सब कुछ करूं। ये सबसे पहली जो मेरी कोशिश होती थी ना उस जमाने में ट्रेनर से भी ज्यादा वो होती थी टीचर बनना, तो अब वही जो है ना भूत कहीं ना कहीं मैं इस तरह के सेशंस करके निकालता रहता हूं। ये मेरी जो है ना छोटी सी कहानी है बस। सही, बहुत जबरदस्त। अच्छा अब हम आते हैं जरा टॉपिक की तरफ, बताइए कोविड ने क्या, क्योंकि आप एक ग्लोबल सिनेरियो में है, तो आप बताएं कि पाकिस्तान में तो सब ना हमारे साथ क्या है कि जब तक कंपैरेटिव स्टैंडर्ड नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता। अब हमें लग रहा है कि जो भी है वो बस पाकिस्तान का ही बुरा है, तो आप चूंकि पाकिस्तान को भी जानते हैं और अभी भी आयरलैंड में, और आप माशाल्लाह मैं कल वो आपका और चांगी का सेशन भी मैंने अटेंड किया, तो अ लॉट ऑफ रिसर्च यू बोथ वर गोइंग टू रिसर्च से ज्यादा हम लोगों ने थोड़ा शुगर लगाया होता। क्या सीन है कोविड का, क्या क्या ये देखो क्या, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कोविड आ गया। लेकिन जो है ना, क्योंकि मैं क्यों बोलता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि हमें जो है ना जागने में टाइम लगता है। सही है, सही। आप देखेंगे पाकिस्तानी हर बार तब इकट्ठा होते हैं या हर बार तब काम करते हैं जब जिलजिला आ जाता है या जब सैलाब आ जाता है, जब कोई जो है ना कोई मुसीबत आती है, कोई भी किस्म की ना कोई आफत आती है, तभी हम लोग काम करते हैं। वरना हमारी कौम का मसला ये है कि यार सुबह होगी ना, फजर का टाइम हो गया, अब मगरिब का टाइम हो गया और दिन खत्म हो गया, अब कल दोबारा फजर का टाइम होगा तो हम कर लेंगे, जो गुजारे लायक काम है ना वो कर लेंगे। मैं एक स्टेटमेंट पे अपनी जिंदगी जो है ना बहुत ज्यादा मेरी जो है ना चलती है, वो ये है कि द डेस्परेट नेवर स्लीप हंग्री, द लेजी डू। सही है, और ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैंने इम्प्लीमेंट होते हैं भाई। आधे ज्यादा लोग मेरे जो जानने वाले हैं ना जो पाकिस्तान में बोलते थे यार पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, वो मेरे साथ जब ऑस्ट्रेलिया आए उन्होंने यही बात बोली कि ऑस्ट्रेलिया में नौकरियां नहीं है। फिर वो मेरे साथ यूरोप आए, अभी भी बोल रहे हैं अपने अम्मा बाबा को कॉल करके यहाँ पे नौकरियां नहीं है, आप पैसे देते। सही है, और वो उठते हैं दोपहर को 12 बजे 1 बजे। सही है, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, रिसर्च बिल्कुल नहीं है, अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई ये बहुत अच्छा टाइम है कि भाई अब हुआ ये कि पूरी दुनिया को एक बड़ी रियलाइजेशन हुई कि 90% सारी जो मेडिसिन है पूरी दुनिया की वो बनती है इंडिया और चाइना में। सही, 90% पूरी दुनिया का जो पीपीई है, ये जो हमारा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है डॉक्टर्स का, सही है, वो बनता है इंडिया और चाइना में। और अभी हमें पता चला कि भाई कोविड आया तो चाइना और इंडिया डिसाइड कर रहा था कि भाई मेरे पास इतना है, हाँ बाकी बचा है ले लो, मैंने इतना बनाया है बाकी बचा है ले लो। जितनी फैक्ट्रियां बाहर थी
वहां पे फ्रांस के अंदर, अब रिसेंट आपको बताता हूँ, फ्रांस के अंदर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जहां पे बहुत ज्यादा सामान पड़ा था। यूएस से ऑर्डर आया कि भाई ये सामान उठा लें और यूएस भिजवाएं। फ्रांस ने अपनी आर्मी उतरवाई है उस फार्मास्यूटिकल प्लांट में कि कोई सामान जो मुल्क में है वो बाहर नहीं जाएगा, हमने नेशनल इमरजेंसी लगा दी, वरना वो जो है मुल्क अपना अपना सामान अपनी जगह ले रहे थे। और ये चीजें जो है लोगों को अब समझ आ रही, मतलब अब पूरी दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड हो, फार्मास्यूटिकल हो, फैब्रिक का हो, कुछ भी हो, दुनिया में अब लोग एक सप्लायर से मूव ऑन कर जाएंगे। अब अगर आप एक न्यूज कंपनी है तो आपके 50 एम्प्लॉइज सिर्फ इंडिया में नहीं बैठे होंगे एक कॉल सेंटर के अंदर, अब आपने 6 कॉल सेंटर सेट करने हैं कि एक इंडिया में, एक पाकिस्तान में, एक चाइना में, एक सिंगापुर में। खुदा ना खास्ता भाई दोबारा से कोई इंटरनेशनल कोई इस तरह का हादसा होता है तो भाई इंडिया और पाकिस्तान वाले बंद हो जाएंगे, चाइना और सिंगापुर चल रहा होगा, चाइना सिंगापुर चल रहा होगा। लेकिन अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नहीं देख रहे, बहुत सारे लोग ये नहीं रियलाइज कर रहे कि भाई आप घर पे तो बैठ गए हो लेकिन आपके साथ साथ बहुत सारे और लोग घर पे बैठ गए। मतलब अब पूरी दुनिया के अंदर अगर एक जॉन है फ्रॉम यूएसए एंड ही वॉन्ट्स टू हायर समवन हु इज अ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, पहले वो क्या करता कि भाई मैं यूएस में रहता हूँ तो कैलिफोर्निया के अंदर जो है ना एक ऐड डाल दूंगा। लेकिन वो कह रहा है भाई अगर मैं बंदे से मिल नहीं सकता, मैं उसके साथ बैठ नहीं सकता, मैं उसके साथ चाय नहीं पी सकता, उसे अपना लैपटॉप दिखा, अगर मुझे काम ऑनलाइन ही करना है तो मैं मलिक उमैर को क्यों ना ले लूं, मैं सादी मखदूम को क्यों ना ले लूं, वो मुझे चार्ज भी ज्यादा कम करेंगे, सारा काम करके देंगे, प्लस जब मैं सो रहा हूँ वो जाग रहे होंगे तो मैं सुबह ईमेल डालूंगा, मैं सो जाऊंगा, सुबह उठूंगा तो काम हुआ होगा। सही है, ये जो डिफरेंट साइकल्स होते हैं उसके अंदर ये भी होगा कि भाई देखो मुझे अब बंदे हायर करने के लिए जो है ना रिसोर्सेज पूरी दुनिया की ओपन हो गई। पाकिस्तान में लोगों को लग रहा है यार हम लॉकडाउन हो गए हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन देखो अगेन मैंने बताया कि भाई इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे उन लोगों की जो सॉल्यूशंस देंगे। सही है, तो ये स्ट्रीम यार्ड का जो सॉफ्टवेयर है ये अब ये जूम मंडे डॉट कॉम ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कोविड को दुआएं दे रहे हैं अभी। सही है, ये वही सीन है कि भाई जिसकी जनरेटर की या यूपीएस की कंपनी होती है ना वो दुआ करता है कि पाकिस्तान में बिजली का मसला सॉल्व ना हो। ये वाला सीन है। तो जूम के जो है शेयर अब बहुत, मैं कल चांगी बता रहा था कि भाई सेल्सफोर्स की इन्वेस्टमेंट है जूम के अंदर ठीक ठाक बड़ी वाली। सही है, तो सेल्सफोर्स की इन्वेस्टमेंट 300 times मल्टीप्लाई हो चुकी है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था। अब उनकी पार्टनरशिप हो गई ओरेकल जैसी बड़ी कंपनी के साथ। IBM एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो पिछले 100 साल से ज्यादा से है, उन्होंने एक जो है ना मर्जर किया है एक रेड हैट के नाम से बड़ी कंपनी है जो क्लाउड कंपनी है उनके साथ। सही है, टेक स्पेस के अंदर बड़े बड़े जायंट्स हैं जो मर्ज कर रहे हैं क्योंकि अब वो रेडी हो रहे हैं कि भाई अब तो हमारा ये वो ना अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे कि आप बेबी बूमर हो या आप जो है ना जनरेशन एक्स हो वाई हो या आप कोई भी हो, अब आपका सीन ये है कि अब आप ये नहीं बोल सकते यार मुझे ये चीजें पसंद नहीं है मैं 33-10 ही रखूंगा, क्योंकि अब आपको वो फोर्स करवा गए हैं किसी भी तरीके से कि भाई आपने अब एक फोन लेना है जिसके अंदर कैमरा हो, जिससे मैं ऑनलाइन कॉल कर सकूं, जिससे मैं ये कर सकूं। प्लस अब सीन ये भी होगा कि भाई अब ये जो चीजें हम सीख रहे हैं ना मजबूरी में ही सही, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चल रहा है। जिस तरह हम आज से 10 साल पहले ले लो तो ईमेल जो है ना मार्केटिंग या ईमेल के बारे में लोग ऐसे सोचते थे कि भाई मुझे ईमेल नहीं सीखनी, अगर मैं ईमेल ना भी करूं तो मेरा गुजारा हो रहा है। लेकिन आज के जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं ईमेल ना बनाऊं और मेरा गुजारा हो रहा है। तो अब यही होगा कि भाई आपका ईमेल, आप आगे जाके देखोगे कि भाई अभी गूगल ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर गूगल मीट निकाल दिया है। सही है, आगे जाके अगर लिंक्डइन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लिंक्डइन विल कम अप विद अ वीडियो कॉलिंग समथिंग सर्विस बहुत जल्द, या लिंक्डइन किसी के साथ पार्टनरशिप करेगा क्योंकि सारा बिजनेस सारी बिजनेस कम्युनिटी बैठी लिंक्डइन पे, हायरिंग वहां पे होती है, रिक्रूटमेंट वहां पे होती है, तो शायद वो सिर्फ यू नो इंटरव्यूइंग और रिक्रूटिंग के ऊपर ही कोई सॉफ्टवेयर निकाल दें और ऐसा की बड़ी बड़ी कंपनीज। और अब जो एक और सबसे बेहतरीन चीज हुई है, क्वालिटी चली गई है तेल लेने। सही, जो बड़ी कंपनी थी सिस्को जो $4,000 $5,000 का कैमरा बनाती थी ना, जो जो है ना एक मीटिंग रूम के अंदर लगता था कि भाई सारे लोगों की शक्लें क्लियर हैं, अब नोबडी केयर्स अबाउट दोस, एवरीबॉडी केयर्स के भाई वेबकैम हो जिससे काम चल रहा हो, वेबकैम क्वालिटी हो, भली चेहरा थोड़ा हैंग हो रहा हो, जैसे भाई काम चलना चाहिए
एंड पीपल राइट नाउ आर इन द फेज के भाई व्हाट अलाउज अस टू वर्क रादर देन व्हाट इज क्वालिटी वर्क. अब इसके अंदर अगेन पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, कहीं इट डजंट मैटर. बहुत सारे लोगों को अभी जो है याद आया, अब मैं कल चंगे बोल रहा था, मैं शॉक इस वजह से हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार अब वर्क फ्रॉम होम है तो फेसबुक पेज बना लेते हैं अपने बिजनेस का, गूगल के ऊपर अपना स्टोर डाल देते हैं, उसका फोन नंबर डाल देते हैं. ये अभी हो रहा है जहां पे मैं समझ रहा था कि अब पाकिस्तान में जब पता चला होगा वर्क फ्रॉम होम है और ये अब बढ़ रहा है तो फ्रीलांस तो बूम करेगा ही करेगा. तो आजकल के जमाने में जिसने फाइवर के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया हुआ, जिसने freelancer.com पे जाके अपनी आईडी नहीं बनाई हुई, या ऐसा कि 5-6 और प्लेटफॉर्म्स है उधर अगर आपने नहीं जाके अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई और वहां पे आप कोशिश नहीं कर रहे अपना काम बढ़ाने का, तो फिर आप सिर्फ जो है ना इंतजार कर रहे हैं कि भाई आपकी जॉब या आपकी कंपनी कब आपको लात मार के बोलेगी कि भाई आज आपकी नौकरी है लेकिन अब जो है ना कल से हमें जरूरत नहीं है. सही है. एंड सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगी लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाई बिजनेस और एजुकेशन पाकिस्तान के लिहाज से बेहतर होगा. आते जाते बच्चे जितने भी आपसे बात करते हो कि हमें कारोबार शुरू करना है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है कि भाई पैसे नहीं है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास. अब घर से बिजनेस करने में सबसे बेहतरीन बात यह है आपको कहीं जाना नहीं है. सही है. तो आपका जो सुबह शाम आपका जो करीम का पैसा लगता था उबर का, भाई जाके क्लाइंट को कन्विंस करना है, वो वीडियो कॉल कर लो फ्री में. सही है. आपने घर के अंदर अगर वो करना है सेटअप तो आपको अपना लैपटॉप चाहिए, आपको कहीं रेंट नहीं देना, वो आपका एलिमिनेट हो गया. आपको जो सर्विस प्रोवाइड करनी है वो सर्विस आपको सिर्फ आनी चाहिए, या आप प्रोडक्ट अगर बेचते हो तो प्रोडक्ट आपने खरीद के घर पे रखना नहीं है. अब ये भी चीज अच्छी हो जाएगी कि ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट तरीके से आएगा आपके पास कि भाई ये हम घर बैठ के जो है ना चीजें कर सकते हैं. भाई मैं 500 शर्टें बेचूंगा इस कंपनी को लेकिन जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा अपने सप्लायर को और फिर मैं प्रोवाइड कराऊंगा. मुझे घर पे कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने घर पे बैठ के सिस्टम्स बनाने कि भाई मैंने कौन सा कारोबार करना है. मैं उमैर मलिक अमानू और मैं सादी मकदूम, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पता है लेकिन स्टार्ट करें सेटिंग योर डिसिप्लिन अप. मैं उस दिन आबिद सिद्दीकी भाई से बात कर रहा था एंड उन्होंने कहा कि भाई अब दो चीजें जो है ना लीड करेंगी, जो लोग जिनके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है और जो लोग कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और कम्युनिकेशन में बाप है ना जीते हैं, वो बहुत ज्यादा लीड करेंगे इस पूरे फेज के अंदर. क्योंकि दो चीजें हैं ना, एक कम्युनिकेट करके आप बिजनेस लेके आओगे, एक कम्युनिकेट करोगे आप नए बिजनेस को जो पोटेंशियल आपका कस्टमर है जो नहीं देखता. अब हम जो ये वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं नोबडी रियलाइजेस कि भाई आज व्यूअरशिप जो है डजंट मैटर, लेकिन आई एम सरप्राइज कभी मुझे साइप्रस से मैसेज आ रहे होते हैं, कभी मेरी कोई वीडियो देख के एक लाइन, अब मेरी वीडियोस उर्दू इंग्लिश में होती है, मोस्टली उर्दू में होती है, एक लाइन सुन के मुझे ऐसे भी गोरे मैसेज करते हैं कि आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कैन यू मेक द सेम वीडियो इन इंग्लिश. सही है. कभी कोई क्लाइंट आ जाता है, कभी कोई मुझे जो है ना कोचिंग के लिए बंदा मिल जाता है, कभी कोई काउंसलिंग के लिए मिल जाता है थ्रू दीज वीडियोस. ये हमारे पोटेंशियल कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस जो है ना वो आ रहे हैं सप्लायर. तो हमें इस तरह की सारी अपॉर्चुनिटीज को सीज करना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज अमेजिंगली डन आफ्टर कोविड. मजबूरी सही लेकिन ये वो मजबूरी है जो हमारे अम्मा अब्बा हमें मजबूरी में भेजते हैं ना स्कूल जाओ, और हमें लगता है मजबूरी है लेकिन हम जब स्कूल से और कॉलेज से और यूनिवर्सिटी निकलते हैं तो हम देखते हैं यार हमने बहुत कुछ सीख लिया है. सही है. तो ये वही वाली मजबूरी है. मैं समझता हूँ कोविड इज समथिंग रियली गुड और इसके अंदर भी वो लोग भुगतेंगे ज्यादा, बीमार होंगे ज्यादा और ज्यादा जो है ना वो होंगे जो इसमें भी डिसिप्लिन नहीं दिखा रहे. वार्निंग मिली भी है, लोग घर नहीं बैठ रहे. वार्निंग मिली भी है, लोग बाहर निकल रहे हैं. लोगों को लग रहा है छुट्टी हो गई है तो एक फैमिली दूसरे के घर दावा तकती है और आपस में जाके जो है ना पार्टी करना शुरू हो जाते हैं. तो ये सारी चीजें हमें अपने बारे में बहुत सारी चीजें बता रही हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि ये हुआ है. सही. अच्छा जो आपने भी बात की ना ये वीडियो वाली, तो मैंने यूडेमी पे एक कोर्स बनाया था, मतलब दो तीन थे, ज्यादातर तो मैं उर्दू में ही रखता था. एक मैंने रखा बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है मेरी, उसमें था वो. एंड वो कोई 194 जो है ना वो 194 नहीं, 100 प्लस कंट्रीज से लोग उसमें आए थे, 3000 लोग रजिस्टर्ड होगा. वो उनके इनबॉक्स में देख रहा हूँ तो वो मतलब मुझे यकीन ही नहीं था ये इतना स्केल अप कर जाएगी चीज. तो वो वाकई में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं. लेकिन अच्छा शादी, इसमें एक ये तो हो गई कि
डिसिप्लिन पे जो आपने बात की या माइंडसेट, उस पे मैं चाहूंगा थोड़ी सी, क्योंकि असल गेम ही हम समझते हैं कि वो एटीट्यूड या माइंडसेट का है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, चीजें सीखना कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है अगर इंसान सीखना चाहे। तो अब आप बताएं उस पे थोड़ी सी अगर बात करें। यार देखो माइंडसेट डेवलप होते हैं ब्रॉटअप की वजह से, या जो है ना ग्रूमिंग की वजह से, और जो है ना पेम्परिंग, एक हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है जब हम बच्चों को ब्रॉटअप कर रहे होते हैं, क्योंकि हम करते हैं, सही है। मैंने नोट किया है कि हमारे यहाँ जो पेरेंटिंग का है ना, वो सबसे बड़ा इशू है। सही मेरा अगर बस चले तो जिस तरह बच्चों के लिए मैंडेटरी होते हैं ना कुछ सब्जेक्ट, बाहर के बहुत सारे पेरेंट्स मुल्क के ऐसे लिए होते करते हैं। हैं, पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग का एटलीस्ट एक महीने का कोर्स हो या कुछ ऐसा हो जो होना चाहिए, जो है मखसूस मैंडेटरी, क्योंकि होता यह है कि हर बच्चा। एक हाँ बोलो। हाँ एक चीज ऐड करूं, मैंने मैंने बिफोर यानी मेरी बेटा होने से पहले मैं बहुत कॉन्शियस था चीज़ों के बारे में, सर्चिंग भी हाँ करता था, लेकिन मैंने 6 महीने का पाकिस्तान में ERDC से कोर्स किया पूरा। और फिर पहले मैंने कंप्लीट किया, और फिर मुझे लग रहा कि मैं अपनी वाइफ को सही से ट्रांसमिट नहीं कर सकता चीज़ें, तो फिर मैंने उन्हें करवाया। हाँ तो अभी जबरदस्त। हमारा, अलहमदिल्ला हमारा बच्चा स्कूल अभी नहीं जाता, 4 साढ़े 4 साल हाँ का। वी आर ट्राइंग टू डू सम होम स्कूलिंग टाइप। तो वाकई हाँ में इसकी, और जब हम वहां गए तो हमें जो रियलाइजेशन हुई कि जो मिस्टेक्स हमारे यहाँ माशरे में लोग पेरेंटिंग के हवाले से कर रहे हैं, वो बिल्कुल तो डैमेज कर रहे हैं जो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो हम, अब मैं ये चीज, आप देखो पूरी लाइफ टाइम की तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी औलाद, सही है। आप अपने बच्चे के साथ आप अपना फ्यूचर भी देख रहे हैं, आप उसका भी फ्यूचर देख रहे हैं, आपकी फ्यूचर जनरेशंस का फ्यूचर भी देख रहे हैं। हम सही एक किचन के अंदर पाइप चेंज करना होता है ना, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन सही एक औलाद है, ऊपर से वो हमारे मुल्क का फ्यूचर है, ऊपर से ये है, और सारे एक्सपेरिमेंट में लगे हुए, सही है। सही सलमा आंटी अपने तरीके से पाल रही हैं, राबिया आंटी अपने तरीके से पाल रही हैं, और जो है ना मेरी जो सामने जो है मेरे अपने घर वाले, वो अपने तरीके से बच्चे जो है ना पाल रहे हैं, और सबको लगता है कि भाई मेरा बच्चा जिस तरह से मैं सही कर रहा हूँ, मैं ही सही हूँ। अच्छा स्टैंडर्ड कहाँ से आपने मीट किया? मैंने इस तरह स्टैंडर्ड मीट किया कि सामने वाली रुबीना का बच्चा इस बार थर्ड आया है, मेरा बच्चा फर्स्ट आया सही है। ये कौन सा स्टैंडर्ड है कि आपका बच्चा फर्स्ट आया है या उसका बच्चा? क्योंकि भाई देखें, मैं जो चीज सबसे पहले अगर किसी पेरेंट को बताना, भाई इट्स ओके इफ योर किड इज फेलिंग, आपने सिर्फ देखना है इफ योर किड इज ट्राइंग और नॉट ट्राइंग, दैट्स इट, सही है। बिकॉज द थिंग इज इफ ही इज ट्राइंग दैट्स इट, आपने ट्रायल का जो है ना पहले उसको देना है कि भाई उसने अटेम्प्ट की एंड दैट्स इट, उसने स्कोर क्या किया। मेजरमेंट टूल्स होते हैं ना, अब हमारे पास यूजुअली हमारे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर मेजरमेंट टूल्स हैं कि कौन सा बच्चा रट्टा अच्छा मारता है, कौन से सही बच्चे की मेमोराइजिंग स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं। हम सही कभी ये नहीं कहते कि भाई आपने बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ाई और लैब में छोड़ दिया कि भाई आपने ये केमिकल क्रिएट करना है फॉर दिस प्रॉब्लम, दो अगर वो सॉल्व करे तो पास होगा, नहीं सॉल्व करेगा तो पास नहीं होगा, ये हम कभी नहीं करते। हम देखते हैं कि भाई तुमने ये जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं 50 याद कर सकते हो या नहीं। अब एक बच्चा अगर सही याद कर सकता है, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, याद कर सकता है तो वो फर्स्ट आएगा, अगर वो सही बच्चा याद नहीं कर सकता। इस वजह से जिस तरह तुमने बोला कि हम लोग होम स्कूलिंग का सोच रहे हैं, दैट्स अ मैसिव मैसिव प्लस, हर पेरेंट को सोचना चाहिए हमारे सही माशरे के अंदर या ग्लोबली। अब अगर आपकी होम स्कूलिंग का अपना एक पैटर्न नहीं है जहां पे आप बच्चे को स्किल सिखा रहे हो, लाइफ स्किल सिखा रहे हो, तो आप देखेंगे ये बच्चा ए ग्रेडर हो कुछ भी हो, ही इज डीम्ड टू फेल बिकॉज बाहर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव जो है ना वो बैठे हुए हैं वेरिएबल्स जो उसको डैमेज करेंगे, सही है। आपने बिल्कुल उसे पहले से ही अगर लोगों से डील करना नहीं सिखाया, लोगों को बुली करना जो है, बुलीज को हैंडल कैसे करना है वो नहीं सिखाया, आपने ये नहीं सिखाया कि भाई अगर आप फेल होते हो तो इट्स ओके, आपने सिर्फ ट्राई करनी है, तो वो बच्चा आगे जाके डिप्रेस नहीं होगा। बच्चा जितना भी आप देखते हैं बड़े बड़े आप सेलिब्रिटीज पढ़ेंगे, करोड़पति अरबपति पता नहीं क्या क्या अचीव कर दिया, लेकिन जो है ना एंड में खुदकुशी कर ली, क्योंकि सही वो खुश नहीं है, उन्हें सारी चीजें पूरी दुनिया में उन्होंने पढ़ा दी, सर्टिफिकेशन दे दी, लेकिन ये किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं करा कि भाई आप खुश रह सकते हो या नहीं। तो पहली बात जो है ना पेरेंटिंग का जो है सबसे बड़ा है कि भाई अगर आप एक इसमें बच्चे को एक बात भी ऐड उठाओ। करूंगा हाँ बिल्कुल कि ये रिलीजियसली भी मैंने एक स्कॉलर से सुना था कि
अल्लाह ताला ने ये कहा है कि भाई बच्चे को नमाज पढ़वाओ 7 साल की उम्र में, और फर्ज तो तब होगी जब वो बालिग होगा। तो उन्होंने इस पे कहा था कि भाई जब अल्लाह ने सबसे बड़ा हुक्म जो अल्लाह के नज़दीक नमाज है उसका 7 साल की उम्र में कहा है, तो हु द हेल आर यू कि आप उससे पहले उसको जो है ना वो, तो हाँ सात बिल्कुल, साल तक उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दें। पढ़वाओ वाला सीन यहाँ पे, एफर्ट एफर्ट का बहुत बड़ा गेम है। हमारी एफर्ट होती है सबसे ज्यादा कि हम एक्सपोजर कम कर दें। अब ये सही। मैं लोग तक अगर ये सुन रहे हैं ना, तो पंगाना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चे का एक्सपोजर कम कर रहे हैं ना, कि हम प्रोटेक्ट करें, हम बाहर निकले मार्केट में, ये चले ना हमारी गोद में रहे पूरा वक्त, ये सड़कों पे हम निकले हैं तो हम कुछ ना करें यार, अगर यहाँ पे ये काम करेगा तो चोट लग जाएगी, अले ले 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 ले, इस तरह करके होता ये है कि ये बच्चा जो है ना, ये आधे ज्यादा एक्सपीरियंस अपने वो कर रहा है मिस। आप बाहर बिल्कुल किसी भी गोरे मुल्क में चले जाओगे ना, यू विल बी सरप्राइज कि भाई माँ बाप सीधे चले जा रहे हैं और पीछे बच्चा चलता हुआ आ रहा है छोटा सा। अब हमारे यहाँ जो है ना, हमारे अम्माओं के जो है ना जिगर खत्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ हो जाएगा अगर बच्चा पीछे से आ रहा है। सही है कि यार सड़क वहां पे गाड़ी वगैरह, लेकिन दीज किड्स गेट ट्रेन फ्रॉम द वेरी अर्ली एज कि भाई मुझे हर वक्त उठा के नहीं रखेंगे, मुझे चलना है, ये मेरी एक्सरसाइज है। अब वो उनके मसल्स डिवेलप हो रहे होते हैं। आपका सही। बच्चा जो है चलना तो सीख लिया, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि चलना बच्चे को सिखाया, वो जो पहली फोटो खींची और घर वालों को व्हाट्सएप कर दी, उसके बाद पूरा वक्त वो गोद में। अब बच्चे को भी चलने की आदत नहीं रही बचपन से, वो क्या कर रहा है कि भाई जहां उसको जाना है उठा लो। सही है, अब उसका सीन ये है, बचपन से ही उसको आपने आदत डाल दी कि जब वो मुसीबत में होगा, जब वो थकेगा कुछ करेगा, वो ये। अब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो यूनिवर्सिटीज पास कर लेते हैं, वो यूनिवर्सिटी पास करके नौकरियों में आ जाते हैं, अब वो शायद शादीशुदा भी हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये आदत नहीं जाती कि मुसीबत में आते हैं माँ बाप को कहते हैं ए। सही है, ये उनका माइंडसेट डेवलप करवाते हैं पेरेंट्स, और फिर वो बोलते हैं यार हमारा बच्चा मेच्योर ही नहीं हो रहा। नहीं, ये हम आपने उसको सबकॉन्शियसली एम्बेड किया है, ये आपने उसका माइंडसेट चेंज करना है। कि अब मैं पाकिस्तान के अंदर ही मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनकी एग्जाम्पल्स देता हूँ कि वो बच्चों को पॉकेट मनीज नहीं देते। बच्चे सही छोटे छोटे घर में जाके जो है ना, बाबा बिन्स, बाबा ये, वो आके हाईलाइट करते हैं क्या क्या होने वाला है। जब वो कहते हैं अच्छा बिन निकालना है, बिन निकाल दिया, ये तुम्हें इसके पैसे मिल रहे हैं 2 रुपए 20 रुपए। सही है, उन्हें बचपन से आदत डाली कि यू विल डू सम टास्क एट होम तो आपको उसके पैसे मिलेंगे, ये नहीं होगा कि पॉकेट मनी घर बैठे बैठे। सही है, सही दूसरी चीज कि अगर आपको कुछ चाहिए। सही है, कल मैं जुनेद अकरम की वीडियो देख रहा था, उसने अपने बेटे को जो है ना वॉक करवाने लेके गया था कि भाई 20 पूरे जो है ना मील की वॉक पूरी करोगे तो तुम्हें मैं नई PS4 लेके दूंगा, वरना नहीं। सही है, सही अब ही कैन डेफिनेटली अफोर्ड इट, चाहे तो भाई लेके दे सकता, लेकिन एटलीस्ट ही हैज टू वर्क टू अचीव समथिंग। अब ये चीजें आती हैं, लास्टली आ जाता है कि भाई हमें जो है एक चीज पता नहीं कि एज अ माशरा कब जान छुड़ेगी कि लोग क्या कहेंगे वाली जो बला है ना हमारे पीछे, कि भाई हम सही कुछ भी काम करते हैं तो लोग क्या कहेंगे। ऊपर से हमारे पास लोग भी ऐसे हैं, उनको और कोई काम नहीं है, सिर्फ वो कहते ही रहते हैं, कभी मोटिवेट नहीं करते, कभी कुछ। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने यूडेमी पे कोर्स डाला, सही है, अब तुमने अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात बताई होगी, सही है। अनफॉर्चुनेट हमारे जो है ना, सबसे बड़ा मसला ये, अनफॉर्चुनेट ये होता है कि आपके 500 दोस्तों में से मुश्किल से आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होंगे अगर 5 दोस्त भी ऐसे हैं ना जो जाके वो कोर्स अटेंड करते हैं, फिर वो जाके उसको पे करते हैं, फिर वो जाके उसको शेयर करते हैं। मैंने बहुत तकरीबन बढ़िया 10 साल लगाए मोटिवेशन स्पीकिंग में, और मुश्किल से 10 साल में 10 मुश्किल से ऐसे सेशन होंगे जो मुझे दोस्तों ने सजेस्ट करके या रेकमेंड करके दिलवाए। सही। ये अलमिया है हमारा उसका, मेरे गोरे जो जानने वाले हैं ना वो रेकमेंड कर देते हैं कि क्लाइंट इसके पास जाए, यार ये बड़ा अच्छा काम करता है। यार जो बाकी मुल्क के होते हैं, इवन इंडियंस होते हैं, वो रेकमेंड कर देते हैं कि यार इससे काम करा लो, इसको आता है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी है ना आपस में, उनको होता है यार अगर मैं नहीं कर रहा तो इसको क्यों मिले। नहीं, आप मुझे नहीं बताएंगे। अच्छा, और हम फिर उसके बाद सबसे ज्यादा अपने आप को जो है ना बड़ा मुसलमान मानते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत रिसर्च की है, मैंने पता किया भाई जो पुराने सही तरीके से इस्लामी तरीका है ना बिजनेस का, वो ये होता है कि भाई उमेर देखता है कि भाई मैंने सोशल मीडिया का ये क्लाइंट पकड़ा है, मैंने ये काम कर दिया है, मेरी जो है ना जो वो थी जरूरत वो इतने पैसों की थी, अब ईमेल मार्केटिंग का चंक भी मैं नहीं करूंगा कि मेरा प्रॉफिट जो है ना अगले 2 साल का बन जाए, ईमेल मार्केटिंग जो है ना आप शहबाज साहब शादी को दे दें,
ईमेल मार्केटिंग वो करेगा, उसके बिजनेस का जो है ना पूरा हो जाए। आपने वो कर दिया, शादी अब कहेगा हाँ ये मैं कर लेता हूँ, लेकिन ईमेल मार्केटिंग का ये कंपोनेंट मैं कर लेता हूँ, मेरे जो है ना इस महीने के पैसे पूरे हो जाएंगे। ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो ये कंटेंट राइटिंग है या कॉपी राइटिंग है, ये आप करवा लें सलीम से, क्योंकि उसका बिजनेस चल जाएगा। मेल मार्ट के जो है एक ग्लोबली आपका, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी जो ये कोविड वाली सिचुएशन है, इसमें भी ये बहुत जरूरी है। हमारा माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं सारा बिजनेस ले लूं, उमेर का डूब जाए, या उमेर और शादी जाए तेल लेने, मैं अपना जितना भी क्लाइंट बनाता हूँ। हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप, हमारे पास पाकिस्तान में अभी कितने स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे हैं, सारे अलग काम करते हैं। आप सरप्राइज होंगे ये देखे कि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है ना, ये इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर 18-18 स्टार्टअप्स बैठे हुए हैं, कोई एक दूसरे को नहीं जानता। सही मुलाकात होती है उस कॉन्फ्रेंस में, सही सिनर्जी नहीं है। अगर मुझे यही नहीं पता कि मैं जो है एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर में बैठा हूं, मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करता हूं, सामने एक स्टार्टअप बैठा है जो शर्टें बनाता है, साथ में एक स्टार्टअप बैठा है जो प्रिंटिंग का काम करता है, उसके साथ एक स्टार्टअप बैठा है जो सेलिंग करता है, अगर मुझे सिर्फ ये पता चल जाए ना कि इसी 18 स्टार्टअप में से 5-10 ऐसे हैं जो हम मिलके एक कारोबार चला सकते हैं, तो मैं उनके साथ मिलके काम करूं। लेकिन हमारा सीन हमें मिलके काम ही नहीं करना, तो ये सबसे बड़ा मसला है कि भाई ये जो है ना साथ मिलके ग्रो करने वाली जो फिलॉसफी है ना, हम इस पे अमल नहीं करते। अच्छा मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, हमारे यहाँ ना ये सदकात और भीख देना या फिलैंथ्रोपी ये काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये जो बिजनेस शेयरिंग वाली बात है ना ये नहीं करते। वही सेट जो है ना वो किसी को जो है ना वो सदके में पैसे दे देगा, गरीबों को खाना खिलवा देगा, लेकिन वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी से शेयर नहीं करेगा, बल्कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो खा लेगा दूसरों की। अच्छा ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मौलाना तारिक जमील और हामिद मीर वाला सीन हुआ था ना, उसके अंदर देखो हम लोग सब लोग की बात नहीं कर रहे, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। आपको आपको जहां पे जिस इलाके में जिस एरिया में आपको ढूंढने पड़े ना ऐसे लोग, तो समझ जाओ कि सारे ही खराब है। सही है, क्योंकि अगर हमें मुझे हफ्ता लगता है ना दो अच्छे लोग ढूंढने में, तो समझ जाओ सारे खराब है, एक दो ही आपको जो है ना अच्छे फल मिले। और वो जो अभी इतना बड़ा जो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े आलिम बने हुए थे कि मौलाना साहब ने ये नहीं कहना चाहिए था, पता नहीं क्या, उन सबको ये बात समझनी चाहिए कि भाई रियलिटी चेक बुरा लगता है, लेकिन मौलाना साहब कहीं से बात गलत नहीं कर रहे थे, बात वही सही है कि भाई उन्होंने तो सिर्फ टीवी एंकर और मीडिया बोल दिया, अगर वो सच में जो है ना सारे लोगों की बात करते थे तो लोग ऑफेंड हो जाते कि भाई हम नमाज कुरान ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन अमलन हमारी जो है ना जो सही में एप्लीकेशन है कि सच बोलो, लोगों का ख्याल रखो, अपने हक से ज्यादा ना, दूसरों का हक ना मारो, इस तरह की चीजें, तो वो सारी हम करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं, फिर हम कहते हैं यार चलो हर साल हम हज कर लेंगे क्योंकि हमने गुनाह इतने किए। बल्कि शादी कभी थोड़े दिन, अभी मैं रमजान में इरादा है मेरा कि कुरान को ना तफसीर से पढ़ू, तो एक मुख्तसर तफसीर में पढ़ा था, उसमें इतनी जबरदस्त बात थी, तो उसमें ये था कि अगर तुम्हारा नॉन मुस्लिम से कुफार से कोई मुआहदा हो और फिर तुम्हारे मुस्लिम ब्रदर्स तुमसे हेल्प मांगे उनके खिलाफ, तो आप नहीं कर सकते हेल्प। कितनी आप खूबसूरत बात है, कितनी बेहतरीन बात है कि आपने उनसे जंगबंदी की उसको, लेकिन अब हमारे यहाँ तो वो छोड़े वो एक बिल्कुल कमिटमेंट, इसकी इसकी भी वैल्यूज है ना यार, मतलब हम देखो अब सिर्फ कारोबार की बात कर लेते हैं, बिजनेस की बात कर लेते हैं, सही है, हमें सिर्फ सुन्नत और हदीस से यही पता चल रहा है कि भाई अगर आप कोई सामान बेचते हैं उसके अंदर कोई ऐब है, कोई फ्लॉ है, तो आपने अपने कस्टमर को ये बात बतानी है। लेकिन हम लोगों ने ये चीज कब देखी है, कितने कितने ऐसे इदारे हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, हमारा तो सीनियर था, आप दही लेने जाते हो तो वो कोशिश करता है सबसे फटा पुराना 5 रुपए का नोट आपकी जेब में डाले ताकि उसकी जान छूट जाए उस नोट से, या हम अगर जाते हैं तो हम कहते हैं फटा हुआ नोट किसी तरीके से दुकानदार को चिपका दे। ये कमिंग डाउन टू द मोस्ट वाटर, हमारा जो है ना इंटेंट अंदर से यही होती है कि भाई मेरा गंदा कचरा सामने वाले को चला जाए, मैं किसी तरीके से जान छुड़ा दूं, ये है, बजाय कि हम कहें कि यार सबसे अच्छा वो हो जाए। सही। अच्छा इसमें एक बात और ऐड करूंगा। नहीं डेफिनेटली, एक साहबी थे अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, मौलाना तारिक जमील साहब से मैंने उनके बारे में सुना, तो ही वॉज इन दोस 10 साहबा जिनको आप ने बशारत दी थी कि आप जन्नत, ये 10 सहाबा जन्नत में जाएंगे।
अच्छा, अब जब वो मदीना आए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की ना बाजार से, एंड व्हेन ही डाइड तो वो 3 करोड़ सोने की अशरफियां छोड़कर गए थे. अशरफ यानी विच मीन्स गोल्ड कॉइन्स, 3 करोड़ सही है। गोल्ड कॉइन्स थे. सिर्फ इन गोल्ड कॉइन्स की एस्टिमेशन जो है ना वो 2015 में जो रिचेस्ट पर्सन था उसकी वेल्थ से काफी ज्यादा मुझे सही है। मैं लग रही थी. वन लेकिन सोने की ईंटें इतनी थी कि आरियां टूट गई थी उन ईंटों को काटते काटते, सही सही बात ना. एंड तो विरासत में मिले हुए पैसे नहीं थे, ये सारे पैसे ट्रेडिंग करके कमाए गए थे. तो सही बात उनसे जब किसी ने पूछा कि भाई आपके बिजनेस का क्या रूल है, तो उन्होंने कहा मैं 3 चीजें फॉलो करता हूँ. नंबर 1, अपनी चीज की कमी बताकर बेचता हूँ. बिल्कुल। नंबर 2, मैं लो प्रॉफिट पे काम करता हूँ, ज्यादा प्रॉफिट का वेट नहीं करता, ट्रांजेक्शन करता रहता हूँ लो प्रॉफिट पे, तो वो ट्रांजेक्शन बढ़ती रहती है. नंबर 3, ना उधार देता हूँ ना उधार लेता हूँ, बिल्कुल ना 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 क्रेडिट पे देता हूँ माल, ना क्रेडिट पे लेता हूँ, कैश पे दे देता हूँ भले प्रॉफिट कम हो. अच्छा, अब ये बिल्कुल तीनों करंट सिनेरियो में देखे तो बिजनेसमैन इन तीनों से भागेगा. हाँ सही है। जनरल अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरली बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जनरली ऐसा ये होगा, हो मैं सकता है. यही बता रहा हूँ ना कि आप इस तरह की बहुत सारी चीजें देखते हो, और आप देखते हो बाहर की कंपनीज जो है ना इस तरह की चीजें उठाते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। आते हैं बाहर की कंपनीज जो है इस तरह की चीजें जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो कर। अब आप एडवांस सेलिंग किसी भी कंपनी में जाके वर्कशॉप अटेंड करोगे ना, तो आपको यही बताएंगे भाई आपके प्रोडक्ट में अगर कोई फ्लॉ है और आपने वो बता दिया. सामने वाले कस्टमर को बता दिया और उसको नहीं पता था, तो वो जो रिलेशनशिप बन जाएगा ना आपका और उस कस्टमर का, वो अगले 5-10 साल भी नहीं टूटेगा। क्योंकि सही. वो कहेगा जो आदमी अपने प्रोडक्ट का फ्लॉ मुझसे शेयर कर रहा है, तो वो आदमी आपको इस तरह से देखता है कि भाई वो दूसरे का भी देगा। और ये जो क्लाइंट रिलेशनशिप बनते हैं उसमें ये होता है कि भाई वो क्लाइंट आपके पास प्रोडक्ट हो ना हो, वो आपके पास आता है कि भाई उमेर यार मुझे पता है तुम सिर्फ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ही करते हो, मुझे जो है ना प्रिंटिंग का काम करवाना है, तुम करके दे सकते हो। इस तरह आपको सही नया बिजनेस मिलता है क्योंकि आपने ट्रस्ट डेवलप कर लिया है। इस तरह आपने जो है ना एक ऐसे आदमी के साथ एक ताल्लुक बना लिया कि भाई ये आदमी अगर अपने बच्चे का जो है ना फ्लॉ मुझसे शेयर कर रहा है, तो ये बाकी दुनिया के बारे में तो मुझे ऑनेस्ट रिव्यू ही देगा ना, झूठ तो नहीं बोलेगा कि यार ये हो गया ये वो हो गया। बाकी अगर एजुकेशन और बिजनेस के अगर पर्सपेक्टिव से हम और सी कुछ अपॉर्चुनिटीज देखें, तो मैं आपको सही बताता हूँ कि देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का जो हमारे पास टूल था ना, ये हमारे पास एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पे मुझे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर देखने को मिले जो सुबह शाम जिसपे लोग नॉर्मली काम कर रहे थे और उनके लिए नॉर्मल था, मेरे लिए नया था। लेकिन मुझे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ग्रो करने के लिए सेल्स फोर्स भी सीखना पड़ा, पल्स सिस्टम भी सीखने पड़े, CRM सिस्टम सीखने पड़े, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या सही टीम सीखनी पड़ी, ये सीखना पड़ा। अब मैं यहाँ से यूरोप आया हूँ तो यूरोप में एक अलग ही स्टैंडर्ड है। वो लोग आपका जो सही है ना जो है कोई अगर ऑनलाइन टीम्स के साथ बैठ के गेम खेलनी हो तो स्क्रिपल यूज करते हैं। अगर उन्हें पता चले कि भाई हमने जो है ना साथ में एक दूसरे के साथ क्विज करना है, तो वो कहूट यूज करते हैं। अगर आपने जो है ना कोई CRM सिस्टम है, कोई स्मॉल बिजनेस है, तो वो उसके लिए स्लैक यूज करते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन आप इमेजिन करें कि एक कंसल्टेंट का काम क्या होता है। एक कंसल्टेंट का काम ये होता है कि आप बिजनेस के पास जाओ, वो आपको अपना मसला बताएं, आप उसको सोल्यूशन बताएं, और वो सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, उसी के तो पैसे हैं। अब हम सारे के सारे लोग ये काम सीख रहे हैं, सही है। अभी मैं परसों एक मजेदार न्यूज सुन रहा था। अब यहाँ पे जितने भी हमारे यंग व्यूअर्स हैं वो उनमें गेमर्स बहुत ज्यादा होते हैं, सही है, गेम्स खेल रहे होते हैं पूरा पूरा दिन। अभी 3 बड़े सोशल मीडिया जाइंट्स हैं जिन्होंने 5,000 गेमर्स हायर किए हैं। सही क्यों? क्योंकि गेमर्स 90% ऑफ द टाइम क्या कर रहे होते हैं, वो ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं, गेम स्ट्रीम कर रहे होते हैं, सही है। अब सीन ये हुआ है कि अब जैसे ही ये बड़े बड़े नेटवर्क्स बंद हुए हैं और घर से इन्होंने प्रोडक्शन शुरू की है, तो इनके पास जो बड़े बड़े एडिटर्स बैठे थे ना वो स्पेशलिटी रखते हैं, उनको बड़ा सिस्टम चाहिए होता है। लेकिन ये जो गेमर्स हैं इनको एक छोटा सा पुराना लैपटॉप चाहिए होता है, एक छोटी सी डिवाइस चाहिए होती है, एक कैमरा चाहिए होती है, और ये ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर देते हैं। तो बड़े बड़े न्यूज नेटवर्क्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्स नेटवर्क्स, ये लोग गेमर्स हायर कर रहे हैं कि यार हमें घर से एक जो है ना ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो शुरू करना है और हमें बंदा नहीं मिल रहा, तुम सबसे ज्यादा वेल इक्विप्ड हो, इतनी तनख्वाह पे काम करोगे। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज होगी 20 समथिंग साल, और वो ऐसी ऐसी तनख्वाह पे उन्होंने स्टार्ट किया है इन बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज में, जो लोग 40-50 साल में जाके जिस तनख्वाह पे स्टार्ट करते हैं।
क्यों? क्योंकि यूजेबिलिटी, रिसोर्सफुलनेस जो है ना, उस स्किल की जो है, जो उन्हें पता थी, उनको खुद भी उसका एक तरह से पता है। अब ये हमने इंटरनेशनली इस चीज के ऊपर खुद रिसर्च करनी है, जितने भी लोग देखेंगे कि भाई हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पहली उसकी नीड है। अगर नीड है तो वो दुनिया में कहाँ है, अगर वो दुनिया में कहीं है तो मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे। अब देखो, आप अपेरेंटली ये कोविड की वजह से दुनिया में जो है मार्केट प्लेस, ये जो हम सारे के सारे अब इंप्लॉइज है ना, फ्रीलांसर्स, अब हम एक मार्केट प्लेस में आ तो गए, लेकिन अब हमें काम करना है अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए अब हमें काम करना पड़ेगा कि भाई हमें अपनी मार्केटिंग पे काम करना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे फाइवर पे अकाउंट तो हो, लेकिन फाइवर पे अकाउंट बना के उस अकाउंट को हम मार्केट कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम फाइवर पे अकाउंट बना के क्या उसके ऊपर दो तीन आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं किसी से कि भाई आर्टिकल्स के अंदर मेरा अकाउंट मेंशन हो। क्या मेरा अकाउंट बना तो हुआ है लेकिन उस पर 5-10 रिव्यूज डलवा सकता हूं मैं, भले मैं जो है ना अपने दोस्तों को बोलूं यार किसी चीज पे आप पे करो और पे करने के बाद आप रिव्यू डालो, आपसे मैं पेमेंट जो है वापस रिटर्न कर दूंगा, लेकिन रिव्यूज होने जरूरी है। मैं एज इंटरनेशनल जो है कम्युनिटी बता रहा हूँ, हम ये नहीं देखते कि भाई सस्ता है यहाँ पे या महंगा है प्रोडक्ट, हम देखते हैं कि भाई 5,000 लोगों ने बोला है 5-star रेटिंग, सही है, तो सबसे ज्यादा बिका ये, सबसे अच्छे रिव्यूज के, मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है, महंगा है कोई बात नहीं, लेकिन हम बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा। तो अगर आपके फाइवर अकाउंट और इस तरह की सोर्सेज पे है, फिर आपने ये बाकी मीडियम्स भी वो करने हैं। आप सरप्राइज होंगे कि भाई फेसबुक ग्रुप से कितने आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, आप सरप्राइज होंगे कि आपको जो है ना किसी जो है ना वेबसाइट फोरम के अंदर से कहां से आपको जो है ना कहीं से क्लाइंट मिलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कभी कभी आपको बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं। लेकिन आपको अब ये चीजें होंगी जहां पे ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, देन अ नेटवर्किंग इवेंट। अब जो नेटवर्किंग इवेंट्स है ना वो मुख्तलिफ किस्म के होंगे, और मैं तो देख रहा हूँ कि शायद हमारे अब नेटवर्किंग इवेंट्स ऐसे हों कि ऑनलाइन हो, एंड दैट इज वॉट द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एंड बिजनेस लुक्स लाइक, बट इट्स फॉर मी इज वेरी एक्साइटिंग, और ये एक्साइट होने का टाइम है। इट्स नॉट कि यार अब हम क्या करेंगे और डरने का टाइम नहीं है। मैं देखो पिछले 3-4 हफ्ते से सारी जो सर्टिफिकेशन ऑनलाइन कर रहा हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने आज सुबह अपना गूगल एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट कर लिया, हबस्पॉट के ऊपर बेतहाशा कोर्सेज पढ़े हैं जो मैं समझ रहा हूँ कि माइंड ब्लोइंग है। जब मार्केटिंग की मैं जो है मास्टर्स में जो मैंने पढ़ा है, जो मैं आजकल सर्टिफिकेशन हबस्पॉट से कर रहा हूँ, उससे अच्छी रिसोर्स नहीं है अभी इंटरनेट पे अवेलेबल, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हम लोग कोशिश करके भाई ये सारी चीजें अक्वायर करें कि नॉलेज आएगी, स्किल आएगी, तो वो आप कहीं ना कहीं शेयर करके उससे वैल्यू क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये मैंने शेयर भी कर दिया एक, जो लोग हमारे साथ अभी हैं और वो उनको अंग्रेजी में मसला होता है, तो ये alnafi.com है, ये पाकिस्तान, डॉक्टर जिशान उस्मानी का शायद नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर जिशान उस्मानी और उनके कुछ दोस्तों ने बनाई है, डॉक्टर जिशान उस्मानी का भी इसमें पार्टनरशिप है। तो अच्छा। इन्होंने मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इस किस्म के सारे कोर्सेज उर्दू में पाकिस्तानियों के लिए, बहुत जबरदस्त, और प्राइस इज जस्ट 2,500 रुपीज पर ईयर सारे कोर्सेज की, पूरी वेबसाइट की एक्सेस 2,500 रुपए। सो देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो या तो बहुत चीप हैं या बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, एक और सवाल मेरा जो बनता है फिर ये alnafi.com के बारे में, क्या ये यूडेमी जैसा है? मतलब क्या आप अपने कोर्सेज यहाँ पे बाकी प्रोफेसर्स टीचर्स बना सकते हैं और दे हैव टू गो थ्रू द मैनेजमेंट? हाँ, गो थ्रू द मैनेजमेंट, आप पहले अप्लाई करेंगे अपने कोर्सेज उनको और फिर वो उसको फिल्टर आउट करेंगे। जैसे अभी पाकिस्तान के जो पाइट के वाइस चांसलर है डॉक्टर असद जमान, डॉक्टर असद जमान इनके इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये है कि, लेकिन ये बिल्कुल फ्री सोर्स, वो यूडेमी वाला सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटेड अच्छा। नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू विद देम, आपको उनको अच्छा। भेजना पड़ता है, फिल्टर करते हैं। सही है, नहीं, बट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, आई डिड नॉट नो अबाउट इट, बट दैट्स ग्रेट, एंड alnafi.com यू सेड कि 2,500 रुपए फॉर द एंटायर ईयर, फॉर द एंटायर ईयर फॉर पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान, और जो बाहर है उनके लिए $100। हाँ, नहीं नहीं, वो ये कि देखो अब 2,500 रुपए कुछ भी नहीं है, 2,500 रुपए अगर कोई फैमिली जो है कहीं बाहर डिनर करने जाती तो खर्च कर देती है, लेकिन अब देखें इन्वेस्टमेंट, ये जो हम लोग जो है ना हमारी मेंटालिटी, हमें पढ़ाई के ऊपर हर चीज एक्सपेंस लगती है, इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, सही है,
और हम लोग फैशन, फूड और इस तरह की चीजों पे जो है ना एक्सपेंस करे जा रहे होते हैं, करे जा रहे होते हैं, लेकिन हम उस तरफ कभी ध्यान नहीं जाता। एक चीज हम सारे लोगों को अब करनी पड़ेगी, हमें एटलीस्ट अपना एक प्रोडक्टिविटी ऑडिट करना है इस पूरे अगले एक आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, क्योंकि अब आप घर पे बैठे हैं ना 1 महीना। पहला महीना हो गया, शुगल मस्ती हमने कर लिया, जितना भी हमने जो है ना सुस्ती करनी थी हमने आराम करना कर लिया। अब एक प्रोडक्टिविटी ऑडिट सारे लोग करें जो अपने आप के साथ सिंसियर है, कि भाई मैं सही। कितने घंटे जो है गेम खेलता हूँ, मैं कितने घंटे टीवी देखता हूँ, मैं कितने घंंटे अपने आप को घर में थोड़ा प्रोडक्टिव लोगों के साथ फैमिली के साथ टाइम गुजारता हूँ, मैं कितने घंटे अपने बिजनेस के ऊपर टाइम लगाता हूँ, या मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर टाइम लगाता हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर कर रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा गेम खेलता हूँ, सही है, बहुत ज्यादा टीवी देखता हूँ, मैं उनमें से हूँ, सही है। मैं अगर गेम पे लगूंगा तो मैं ठीक ठाक जो है ना कभी जो है ना 2 2 3 3 दिन लगा देता हूँ, लेकिन मेरा सीन ये होता है कि मैंने 1 महीने के अंदर गोल रखे हुए होते हैं, भाई आई विल मेक श्योर कि मुझे गेम खेलना पसंद है तो उस गेम खेलने के लिए मुझे ये काम करने। हाँ, मुझे अगर बुक पढ़नी है तो मुझे बुक पढ़ने के लिए फिर सोल्यूशन निकाले में, भाई बुक के इतने पेज मैंने रोज खत्म करने हैं, अगर नहीं हुआ तो मुझे फिर उसका ऑडियो वर्जन निकाल के आधा घंटा 1 घंटा अलग से वो सुनना है। फिर हमने देखना है कि भाई आपने जो है, अगर मैंने शादी मखदूम ने प्लान बनाया हुआ कि भाई मुझे हबस्पॉट के 4 कोर्सेज करने हैं इस महीने, सही है, तो वो 4 कोर्सेज मैं एक दिन में तो नहीं करूंगा, उसको स्प्रेड आउट करना है, और ये सारी चीजें आपने करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया था, डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन, जिन दोस्तों की नौकरियां नहीं गई हैं जो अभी तक नौकरी कर रहे हैं, अगर आपके बॉस को आपने नहीं बताया कि आपने घर पे आज रह के क्या किया तो उसको पता नहीं चलेगा, और ये आप बताना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉसेस को ये लग रहा होगा अगर आपने नहीं बताया कि यार ये तो घर पे बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है। क्योंकि देखो बॉसेस की अपनी मेंटेलिटी होती है, उसके अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने उनके जो है ना वो होते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेसेस, तो आपने उसका स्ट्रेस कम करना है, और आपकी अब जो तरक्की होगी वो इस वजह से भी होगी कि भाई कोविड के दौरान बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक सिस्टम बना लिया, पहला महीना थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके ट्रायल एंड टेस्ट कर दिया, लेकिन मैं कल जैसा शेयर कर रहा था कि भाई एजुकेशन के अंदर डोंट बी लिमिटेड, आपको अभी ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली है ना कि आप घर से बैठ के, अपने किचन से बैठ के, अपने कमरे से बैठ के जो है अपनी क्लास, टीचर्स को ऑप्शन देना चाहिए स्टूडेंट्स को कि भाई आपने वीडियो ऑन करनी है करें, नहीं ऑन करनी ना करें, मैं आपको सही। गारंटी दे रहा हूँ ये मेंटेलिटी यहाँ पे होती है। गोरा जितना भी आप देख लो इंटरनेशनल मैंने स्टडीज किए हैं, तो टीचर्स को 1% भी इंटरेस्ट नहीं होता कि बच्चा सुन रहा है या नहीं, हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि भाई बात नहीं करो आपस में, गोरा टीचर बोलते हैं देखे मुझे मेरे लेक्चर में डिस्टर्ब ना करो, तुमने अटेंड करनी है क्लास ना करो, करनी है करो, तुमने बाहर जाके कोई गेम खेलने खेलो, मैं अपना सेशन चलाऊंगा क्योंकि मैंने इस चीज से आप वादा किया है कि मैं आके आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, आपने पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े। तो अब आपका जो मेंटेलिटी है ना एजुकेशन सेक्टर की, वो इस तरफ जाएगी कि भाई फेसबुक ग्रुप बने, उस फेसबुक ग्रुप पे सारे स्टूडेंट्स हों, वहां पे मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया, वहां पे मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दिया, नोट्स अपलोड कर दिया, सब अपने अपने टाइम पे करो, फ्राइडे को टेस्ट होगा, फ्राइडे को टेस्ट उसी ने पास करना है जिसने वो कर लिया इस जो है ना तरीके। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स को आजकल मैंने टेंशन देखी कि यार बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, क्या सर वो आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहे, वो अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो चीट कर लें, वो ए ग्रेड ले आए, वो जो है कोई भी चीज कॉपी पेस्ट कर लें, वो इदारे में जाके 1 महीने से आगे टिक ही नहीं सकेंगे अगर उन्होंने सारा कुछ चीटिंग से पास किया। सही। सो जिस तरह मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ कि भाई देखें, आपको कॉन्फिडेंस और आपको शॉर्टकट जो है एक जगह पहुंचा देती हैं, लेकिन आपको वहां पे रखती जो है ना चीज वो है आपकी कॉम्पिटेंस, अगर आप बिल्कुल कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंट होना और आपके जितने भी आपने शॉर्टकट्स लिए हैं वो आपको कभी काम नहीं आएगा, आप कहीं ना कहीं जो है ना वहीं पे अटके रहेंगे। बट या दैट इज माई लास्ट पॉइंट सही। अच्छा शादी, अगर लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें तो यार, अब आप जी। अगर लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहें तो मेरा सोशल मीडिया हैंडल होता है सादी मखदूम, @SadiMakhdoom कंटिन्यूअस, जिस तरह मेरा ये मैंने नाम यहाँ पे रखा हुआ है, एंड यू विल फाइंड मी ऑन ऑल प्लेटफॉर्म विद द सेम यूजर हैंडल, इंस्टाग्राम पे भी सेम है, फेसबुक पे भी सेम है, ट्विटर पे भी सेम है, एंड आई एम मोस्ट मोस्ट यू नो यू कैन से अपडेटेड ऑन फेसबुक एंड देन यूट्यूब।
अगर लोग मेरा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई आप सीधा यूट्यूब पे जाएं, क्योंकि वहां पे मेरी जो वीडियो लाइब्रेरी है वो सिर्फ लोगों के सवालों के जवाब देते हुए, और मैंने वो वीडियो लाइब्रेरी इसीलिए बनाई थी कि देखो मेरे से 99% जो मैसेजेस मुझे आते हैं वो आते हैं भाई हमने बिजनेस करना है, या हमने बिजनेस स्टूडेंट बनना है, या हमने बीबीए रिलेटेड सवाल करना है, और वो इतने रेपिटेटिव होते हैं कि अगर मैं सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देता रहूंगा तो मैं फेसबुक पे पूरा साल सिर्फ एक ही सवाल का कॉपी पेस्ट करता रहूंगा। लेकिन मैंने उधर 250 वीडियोस डाल दी हैं रिगार्डिंग डिफरेंट बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस, बिजनेस करियर रिलेटेड क्वेश्चंस एंड मार्केट रिलेटेड, और मैं आगे कोशिश कर रहा हूं कि मेरी और वीडियो लाइब्रेरी वहां पे एक्सटेंड हो। तो इफ एनीबॉडी वांट्स टू गेट कनेक्टेड, गो अहेड एंड सेंड मी अ मैसेज व्हेन यू जॉइन मी ऑन एनी ऑफ द नेटवर्क, ताकि मुझे पता चले कि भाई आप उमेर के नेटवर्क से आए हैं, ताकि आई वेलकम यू इन दैट वे एज़ वेल। एंड it has I think it has been a good point. Mujhe tumse ek sawal karna tha Umair at the end. Why are you doing content related to the way I'm doing? Kyunki hum mujhe ek cheez bade doston se sunne ko milti hai, yaar aapka content bada boring hai. Sahi. To aapko is tarah ka feedback milta hai? And acha and aap phir bhi kyun lage hue hain is tarah ke content banane mein, bataye? Acha main batata hu pehle to असल में कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका रीजन होना चाहिए ना। व्यूवरशिप लेना सिर्फ इज नॉट द ओनली रीजन। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है दैट इज पी फॉर पकाओ, और नादिर साहब उसमें लोगों के साथ क्या कुछ करते हैं मैं उसको कतई अच्छा नहीं समझता। तो पहली चीज तो ये कि ये पता होना चाहिए, मुझे अगर ये पता है कि जो बात मैं करना चाह रहा हूँ उस बात की इम्पोर्टेंस है, किसी को कोई फायदा हो सकता है और वो बात ठीक है, तो वो बात मैं करूंगा, भले वो मेरे साथ सामने दो लोग बैठे हों या चार लोग बैठे हों। एक तो ये बात होगी बेहतरीन। अच्छा, दूसरी चीज कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो है ना लोगों को हेडफोन शो के व्यूवर सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। डू यू नो अबाउट हेडफोन शो? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। बस ठीक। तो इस किस्म का कॉन्टेंट भी मार्केट में बहुत है। अच्छा, अब एक तो ये कि आप खामोश होकर बैठ जाए कि यार बस सही है, तो फिर पूरा इंटरनेट ही जो है ना वो हो जाएगा कि यार वहां बस सिर्फ इस किस्म की बातें ही होती हैं। और दूसरा ये कि आप उसको लेकर आए, जैसे फॉर एग्जांपल माँ तारिक जमील साहब हैं, अब अगेन वो भी तो एक बयान ही करते हैं ना, लेकिन वो करते रहे इन द कंसिस्टेंसी की वजह से आज वो कहाँ है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से जहाँ अगर आप समझे कि 10 में से 9 चीजें बिल्कुल बेकार है या 2 चीजों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन वहाँ कोई एक बंदा भी अगर कोई थोड़ी सी बात सही कह रहा है, और हमें नहीं पता कि कौन सी बात किसके दिल पे लग जाए और किसकी जिंदगी में एक डिफरेंस बेहतरी आ जाए। अच्छा, और एक और रिलीजियसली जो मैंने इसमें एक बात सुनी थी वो ये थी कि कयामत के दिन अगर कोई एक बंदा भी हमारे कहने से उसका फायदा होता है तो वो ही हमारी निजात के लिए काफी हो सकता है। सो कॉन्टेंट शुड बी फिल्टर्ड आउट कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करूँ कि उस बात में कोई मैं किसी का दिल ना दुखाऊं और मैं कोई डिस इन्फॉर्मेशन लोगों से ना शेयर कर रहा हूँ। सो दैट इज द रीजन। अब वो व्यूवरशिप और ये मेरा चैनल 2012 में बनाया था मैंने यूट्यूब का, और अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, 998 है, बट आई हैव नो इशू। कंसिस्टेंटली कब से कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मैंने यूट्यूब चैनल बहुत पहले बनाया था, लेकिन मैं तकरीबन 3.5-4 साल से थोड़ा सीरियस हूँ। मेरा कंसिस्टेंट जो कंटेंट आ रहा है ना वो ये है कि तकरीबन साल भर से, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी ये है कि तकरीबन 15 दिन में एक वीडियो आ रही है, रोजाना की बेसिस पे भी नहीं है। सही। तो अब मैं सोच रहा था मैं भले रॉ वीडियोज ही, लेकिन जो चीजें मैंने सीखी। अच्छा, मेरा मामला ये होता है कि मैं पहले उसको बहुत फिल्टर करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह ये कि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। ऐसा नहीं कि अगर हो सकता है कोई चीज आज मुझे ठीक लग रही है और मैंने वो कह दिया और मैंने उसका ऑडिट नहीं करवाया उस फील्ड के एक्सपर्ट से, या रिलीजियसली उसका ऑडिट ना हो और मैं वो बात कह जाऊं और फिर 10-15 लोग भी अगर उस बात से गलत मैसेज ले लें तो ये एक मसला है। तो मैं लोगों से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्ट्रगल करनी ज्यादा पड़ेगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल ऑन माई ओन टर्म्स। ऑन माई ओन टर्म्स से मुराद के उसमें वो रिलीजियस फिल्टर भी लगा हुआ, उसमें जो है ना वो यानी फील्ड की अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो उस पे भी वो फिल्टर्ड हो, तो ये सारे फिल्टर्स निकाल के कंटेंट लाने में टाइम लगता है, और ऐसा
कोई भी कैमरा उठा के कोई भी बात कर ले, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत जिम्मेदारी का काम है वो, अगर अल्लाह ना करे हमारी तरफ से किसी को कोई गलत मैसेज चला जाता है या हाँ कोई, तो फिर वो उसका आजाब बहुत ज्यादा है, तो बाकी इसलिए मैं एक चीज अब क्विक प्लग करना चाहूंगा, मैं क्योंकि अब तुमने कंटेंट क्रिएट, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 साल के अंदर, अब मैं क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें सीखी हैं रिगार्डिंग, भाई अगर आपने अपना कोई चैनल स्टार्ट करना है ना, और किसी भी सब्जेक्ट में करना है, इट्स नॉट अबाउट हाउ टू गेट मोर व्यूज अबाउट दैट, बट जो मेन चीजें जो मैंने अभी पिछले दिनों हबस्पॉट और इस तरह की चीजों से सीखी, मैं कोशिश ये करूंगा इन द कमिंग वीक, आई एम नॉट श्योर कौन सा, बट जब मैं अनाउंस करूंगा तो आई टैग यू इनटू दैट पोस्ट ऑन माय फेसबुक पेज, एंड आई वुड रियली लव इफ यू कैन ज्वाइन दैट सेशन, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ से सवाल बहुत अच्छे आएंगे, एंड सही, जो है ना उस क्वेश्चंस की वजह से वहां पे बहुत वैल्यू ऐड हो जाएगी। मैंने जो चीजें सीखी हैं एज सिंपल एज के भाई वीडियो की क्वालिटी अगर ज्यादा हो तो यूट्यूब ज्यादा उसको पोजिशन ऊपर करता है, अगर वीडियो के ऊपर जो है ना आपके कॉमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं तो आपकी जो है ना व्यूअरशिप ज्यादा बढ़ जाती है, अगर आपकी एक लास्ट वीडियो में ज्यादा व्यूज आए और पहले आपके चैनल पे कभी ऐसा नहीं हुआ तो उस एक वीडियो की वजह से आपका चैनल कितनी जगहों पे सजेस्टेड वीडियोस में आना शुरू हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा, बाकी आई थिंक वी हैव गॉन 5 मिनट्स अबव टाइम, और मैं आपका सही, भी जो है ना दिन जो है और टाइम नहीं ज्यादा लूंगा, तो थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी टू द सेशन, एंड आई होप के जितने मैंने सवाल के जवाब दिए हैं दैट वुड हैव एडेड सम वैल्यू टू द ऑडियंस। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम भी निकाला, और मुझे उम्मीद है कि लोग इंशाल्लाह जाकर कनेक्ट भी करेंगे, और चूंकि मेरा आपसे बड़ा पुराना ताल्लुक है, वन ऑफ द इनिशियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन उस जमाने में, हाँ तो थैंक्स अ लॉट सादी, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू अलहमदुलिल्लाह। वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।